गोवा पुलिस हरियाणा तो पहुंच गई, लेकिन सवाल यही कि उसे यहां कौन कौन से सुराग और सबूतों की तलाश है। असल में यहां तक कहा जा रहा है कि सुनाली की मौत के पीछे उसकी ही 100 करोड़ की दौलत जिम्मेदार है, जिस पर कुछ लोगों की नजरें टिकी हुई थी। ऐसे में गोवा पुलिस के सामने यही सब बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन कौन है जिनकी नजरों में सुनाली की दौलत खटक रही थी। हिसार में क्या क्या करेगी गोवा पुलिस? हिसार में एक्टिव गोवा पुलिस की जांच का रडार। फार्म हाउस की तहकीकात खोलेगी कई राज। कई सवालों के जवाब तलाशने पहुंची गोवा पुलिस। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी फिलहाल सुलझती दिखाई नहीं दे रही। हालांकि इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए अब गोवा पुलिस गुरुग्राम पहुंच गई है। सुधीर तो अक्सर यहां रहता था, लेकिन सोनाली 4 से 5 बार यहां पर आई थी और एक बार बेटी भी आई थी, जैसा कि हमें जानकारी मिली है। इस सोसाइटी के RWA के प्रेसिडेंट ने जो हमें बताया है, फिलहाल ऐसी संभावना है कि पुलिस यहां पर आ सकती है, क्योंकि जब गोवा के लिए निकले तो गोवा निकलने से पहले वो यहीं आते हैं। जिस गाड़ी से आए, सफारी गाड़ी, नीचे पार्किंग में वो खड़ी है, और इसके बाद यहां टैक्सी से वो निकले थे। तो पुलिस यहां पर आ सकती है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पूरे चेन को समझने की कोशिश कर रही है। सोनाली फोगाट के मर्डर केस में जांच करने गोवा पुलिस की टीम हरियाणा पहुंच गई है। गोवा के DGP की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है, जबकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से हरियाणा पुलिस के हर संभव सहयोग करने की बात कही गई है। क्या परिवार मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि इस केस की, इसमें हमको लगता है कि कुछ राजनेताओं का भी हाथ हो सकता है, इसलिए इस केस की CBI से जांच करवाई जाए। तो हमने गोवा सरकार को लिख दिया है स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करके कि इस केस की CBI जांच कराने के लिए वो कार्रवाई। गोवा पुलिस की टीम हरियाणा में उन जगहों पर जाएगी जहां जहां सोनाली फोगाट के निशान हैं। सोनाली के परिवार वालों को भी हिसार पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। खबर मिली है कि सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से भागा शिवम पकड़ा जा चुका है, और अब तक सोनाली की मौत के बाद पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। सुधीर सांगवान सोनाली का PA, सुखविंदर सुधीर का दोस्त, शिवम सोनाली का अकाउंटेंट, एडविन क्लब का मालिक, ड्रामा ड्रग्स तस्कर, दत्ता प्रसाद गावंकर ड्रग पेडलर। बड़ा सवाल यह है कि लैपटॉप, DVR और अन्य चोरी हुआ सामान बरामद किससे हुआ है, और उस लैपटॉप में आखिर पुलिस को क्या क्या मिलने की संभावना है। संपत्ति के दस्तावेज, सुधीर के साथ चैट और मेल, सोनाली के बैंक खातों का लेखा जोखा, सोनाली के संपर्क में रहने वालों का पता, गोवा टूर से जुड़ी जानकारी। सोनाली फोगाट के परिवार का दावा है कि सेक्टर 102 वाला सोनाली का फ्लैट उसके PA सुधीर सांगवान ने अपने नाम ट्रांसफर करा लिया। इसी बीच सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने पुलिस से गुहार लगाई है कि फ्लैट को परिवार की मौजूदगी में ही खोला जाए। दरअसल सुधीर सांगवान 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सोनाली फोगाट से मिला था। फिर वो धीरे धीरे सोनाली फोगाट के करीब आ गया, इतना ज्यादा करीब आ गया कि सोनाली फोगाट उस पर अंधा विश्वास करने लगी, और सुधीर सांगवान इसी विश्वास का फायदा उठाता रहा। वो इस कदर सोनाली फोगाट के करीब आ गया कि उसकी नजर सोनाली फोगाट की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर आ टिकी। वो सोनाली फोगाट की संपत्ति को हड़पना चाहता था,